हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का जॉब जंक्शन में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखेंगे CMHO दुर्ग में आई वैकेंसीज के बारे में, जिसमें आपको पता चलेगा पोस्ट का नाम, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोज लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बात करते हैं CMHO दुर्ग में आई वैकेंसीज के बारे में। यहाँ जो वैकेंसी आई हुई है वो कई प्रकार की वैकेंसीज हैं और जिसमें जो पोस्ट है वो अलग अलग है। तो चलिए देखते हैं एक एक पोस्ट के बारे में, उसके क्वालिफिकेशंस के बारे में और उसके दिए गए सैलरी के बारे में। सो सबसे पहला जो पोस्ट है उसका नाम है ड्रेसर ग्रेड 1, जिसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है 12th, और 12th में आपके जो सब्जेक्ट्स होने चाहिए वो बायो सब्जेक्ट होना चाहिए और साथ ही साथ ऑर्थोपेडिक कम ड्रेसर का 1 साल का कोर्स आपका किया होना जरूरी है। दूसरे पोस्ट जो है वो है ड्रेसर ग्रेड 2, जिसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है 10th और साथ ही साथ इसमें और भी कोई अन्य सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, सिर्फ और सिर्फ 10वीं का जो सर्टिफिकेट है उसके बेस पर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद जो पोस्ट आया हुआ है वो पोस्ट के नाम है OPD अटेंडेंट, भृत्य और आया, स्वीपर, चौकीदार। इन सारे पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो है कक्षा 8वीं और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कक्षा 8वीं का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बात करते हैं इन पोस्ट पर अप्लाई करने के तरीके पर। इसमें अप्लाई करने का तरीका ऑफलाइन मोड है, जिसका जानकारी, इसका मतलब कि किस जगह पे आपको पोस्ट करना है, कैसे पोस्ट करना है, क्या एप्लीकेशन है, ये सारे डिटेल्स आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। साथ ही साथ इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट एरिया पर भी आपको मिल जाएगा। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस कुछ इस तरह है कि सबसे पहले आपको इसमें अप्लाई करना है, देन आपके सर्टिफिकेट्स के अकॉर्डिंग एक मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और आपका सिलेक्शन इन पोस्ट पर कर दिया जाएगा। चूंकि ये क्लास 3 और क्लास 4th ग्रेड के जो पोस्ट है, इसलिए इसमें ना तो एग्ज़ाम रखा गया है और ना ही इसमें कोई भी इंटरव्यू रखा गया है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम और इंटरव्यू के जो क्राइटेरिया है उनसे इस ग्रेड को अलग रखा हुआ है। सो आपका जो परसेंट है उसी के बेस पर इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें इन पोस्ट के लिए जो एज लिमिट डिसाइड किया गया है वो है मैक्सिमम 35 ईयर्स, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी हैं और साथ ही साथ अलग अलग कैटेगरीज को जो बिलोंग करते हैं, यानी कैंडिडेट्स जो बिलोंग करते हैं, उनके लिए भी इसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इस पोस्ट पे जरूर देखिए, ये गवर्नमेंट सर्विस है, तो अगर आप इन पोस्ट पे एलिजिबल हैं तो इसमें अप्लाई कीजिए। ध्यान दीजिएगा, इस पोस्ट पे अप्लाई करने का लास्ट डेट है 30 जून 2022। इसका मतलब है कि 30 जून 2022 तक आपके एप्लीकेशन के साथ आपके सर्टिफिकेट्स की फोटोकॉपी यहां पर दिए गए पते पर पहुंच जाना चाहिए। तो बिल्कुल इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को अगर आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। थैंक यू।